सो है गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप्स आप लोग मस्त होंगे। आज किसी वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एफएम व्हाट्सएप के अपडेट के बाद जो जो न्यू सेटिंग्स एंड फ्यूचर आया है उसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देखते हो कुछ इस तरीके से ये मसला नीचे आ चुका है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो है ऐड हो चुके हैं, उसी आज टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। और सेटिंग्स के अंदर भी यहाँ पे बहुत सारे जो है न्यू फ्यूचर एंड सेटिंग जो है ऐड कर दिया गया, तो आज किसी वीडियो के अंदर वही भी बताने वाला हूँ, तो बने वीडियो में लास्ट तक। बट उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट गाइस, कि चैनल पर पहली बार आओ ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना। सो गाइस, चलिए मेरा टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं एफएम व्हाट्सएप का सेटिंग्स एंड फ्यूचर्स। सबसे पहले आज हम अपने मोबाइल के होम स्क्रीन के ऊपर, और होम स्क्रीन के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना एफएम व्हाट्सएप यहाँ से ओपन करना है। अभी आप लोगों को बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने एफएम व्हाट्सएप को डाउनलोड नहीं किया तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, वहाँ से मेरे वीडियो वॉच करके ऑलरेडी आप एफएम व्हाट्सएप डाउनलोड करना सीख जाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा आपका एफएम व्हाट्सएप का। एफएम व्हाट्सएप खुलने के बाद यहाँ पर देखते हो सबसे न्यू सेटिंग्स आया है, जो कि ये वाला जो है नीचे के साइड हो चुका है। इसे हम ऊपर की साइड कैसे ला सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके बताऊंगा गाइस। अभी तक यूट्यूब को किसी ने नहीं बताया होगा इसे ऊपर नीचे के साइड से जो है ऊपर की साइड कैसे लाते हैं, तो मैं बताऊंगा। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको देखेगा थ्री डॉट, आपको थ्री डॉट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना। उसके बाद आपको देखेगा यहाँ पे एफएम मोड, आपको एफएम मोड वाले ऑप्शन में यहाँ से कर देना है क्लिक। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको देखने लगेगा कि होम स्क्रीन का ऑप्शन। सबसे पहले आपको इस होम स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना। होम स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने लगेगा हेडर का एक ऑप्शन, आपको उस हेडर वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं अभी कर दिया इस पर क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा सबसे फर्स्ट में होम यूआई स्टाइल, आपको क्या करना है होम यूआई स्टाइल पे आपको यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखते हो बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इनमें से आप कोई सा भी आपको अच्छा लगता है तो वो रख सकते हैं। जैसे कि मैं ऊपर वाला सेलेक्ट कर दिया तो कुछ इस तरीके से आपका ये वाला हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से फिर से क्लिक कर दो और तीसरे नंबर पर क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे देखते हो नीचे की साइड आप देखते जाना कुछ इस तरीके से हो गया। अभी अगर आप पहले जैसे ऊपर के साइड लाना चाहते हो उसके लिए आपको क्या करूँगा, फिर से होम वही स्टाइल पर क्लिक करना है। एंड आपको यहाँ पे दिखेगा व्हाट्सअप ओल्ड यूआई, आपको सबसे नीचे के साइड आपको दिखेगा व्हाट्सअप ओल्ड यूआई, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखते हो कुछ इस तरीके से ऊपर के साइड ये वाला आ चुका है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आके देखते होम स्क्रीन के ऊपर जो है कुछ इस तरीके से ऊपर आया है कि नहीं। यहाँ पे देखते हो अभी यहाँ पे कुछ इस तरीके से नीचे के साइड था, अभी यहाँ पे देखते हो ऊपर के साइड आ चुका है, जो कि यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया, मैं बता दिया गाइस। कुछ इस तरीके से आपको ऐसे लाना है यहाँ पे, ये हो गया गाइस। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया। यहाँ पे देखते हो यहाँ पे आपका प्रोफाइल फोटो दिखेगा, आप यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से सेटिंग्स के अंदर आओगे, यहाँ से प्रोफाइल फोटो अपने लगाते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हो स्टेटस वाले ऑप्शन में आके यहाँ पे देखना पड़ता था पहले क्या हम प्रोफाइल फोटो लगाए हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली होम स्क्रीन के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखते हो एकदम से सेटिंग्स में आ जाओगे, एफएम व्हाट्सएप के सेटिंग्स में आ जाओगे, जो कि हमें क्या करना होता है। सबसे पहले आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके एंड सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते थे तब जो है आप सेटिंग के अंदर एंटर कर पाते थे। अभी क्या हुआ, अपडेट के बाद जो कि आपको ये वाला ऑप्शन दे दिया गया, तो आप क्या करोगे इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली सेटिंग के अंदर डायरेक्टली आ जाओगे। तो ये वाला हो गया गाइस। उसको अपने एफएम व्हाट्सएप के ऊपर दो अकाउंट बना सकते हो, जो कि एक व्हाट्सएप और दो अकाउंट आप चला सकते हो। आपके फ़ोन में दो सिम है और यहाँ पर एक ही व्हाट्सएप में दोनों सिम का अकाउंट ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना, थ्री डॉट पर क्लिक करना एंड सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर आ जाना, सेटिंग्स के अंदर आ जाना। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपको प्रोफाइल फोटो के नीचे ही आपका नाम दिखेगा, मैंने यहाँ पे अभी नाम दूसरा रखा है, तो आपको यहाँ पे एक एरो दिखेगा, उसके नीचे की साइड छोटा सा एरो दिखेगा। आपको इस एरो वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एक ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको क्या ना ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से थोड़ा सा इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद यहाँ से एकदम से होम पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे जैसे आप व्हाट्सअप बनाते हो फर्स्ट में कुछ इस तरीके से, तो आप आई एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपके फ़ोन में दो सिम है तो यहाँ से दूसरा सिम का नंबर डाल सकते हो। मेरे फ़ोन में अभी एक ही अवेलेबल है जो है नंबर, तो मैं अभी अपना एफ एम व्हाट्सअप बना रखा हूँ। तो यहाँ से नंबर डाल के और वेरीफाई करके नाम वाम सेलेक्ट करके अपना जो है एफ एम व्हाट्सएप का दो अकाउंट बना सकते हो, यानी कि एक व्हाट्सअप और दो अकाउंट, यानी कि आपको एक नॉर्मल व्हाट्सअप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, एक ही व्हाट्सअप में दो अकाउंट चलेगा। वो ये हो गया गाइज, और ऑप्शन ऐड किया गया। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आ जाना है, यहाँ पे मैं प्रोफाइल फोटो पर क्लिक किया एंड देखते हो सेटिंग्स में आ गया। सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहले आपको कहना है यहाँ से नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करते हो यहाँ से मैं सॉरी गाइज चैट वाले ऑप्शन में आ गया, नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड आपको सबसे पहले नीचे आ जाना है। नीचे आते ही आप देखते हो यहाँ से अपने वीडियो कॉल आएगा, तो आपने जो है रिंगटोन लगा सकते हो। जैसे हम देखते हो रिंगटोन लिखा रहा है यहाँ पे और छोटा सा में लिखा रहा है कॉल्स, कॉल्स के लिए आप यहाँ पे रिंगटोन लगा सकते हो, जो कि बहुत ही बड़ा ये सेटिंग्स आ गया। अपने फाइल मैनेजर से और म्यूजिक से और रिकॉर्डिंग से कुछ भी लगा सकते हो यहाँ से। उसके बाद कॉल्स का रिकॉर्डिंग लगा सकते हो, उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन टोन भी लगा सकते हो। जैसे कि कोई सा भी बंदा जो है मैसेज भेजेगा तो नोटिफिकेशन जो है बजता है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से लगा सकते हो कोई सा भी। यहाँ पर नोटिफिकेशन आइकन और यहाँ पर कॉल्स का रिंगटोन अलग अलग
आप लगा सकते हो दोनों को। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे सिक्योरिटी एंड जो स्टोरेज एंड डाटा वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। स्टोरेज एंड डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखोगे वीडियो अपलोड क्वालिटी, यानी कि आप स्टेटस लगाते हो अपने एफएम व्हाट्सएप के ऊपर, वो जो है क्वालिटी में नहीं जाता, उसका क्वालिटी लो हो जाता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ऑटो रहेगा आपको, तो क्या करना है आपको यहाँ से बेस्ट क्वालिटी पे क्लिक कर देना है। डाटा यहाँ पे सर्वर रहेगा तो आपको यहाँ पे ऑटो रहेगा तो, और डाटा सर्वर रहेगा तो आपको दोनों नहीं करना है, यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करके ओके कर देना है। तो आप कोई से फोटो वीडियो किसी को भेजोगे तो एकदम क्वालिटी में जाएगा, एचडी में, और स्टेटस लगाओगे तो एचडी में ही जाएगा। यहाँ से देखते हो बेस्ट क्वालिटी यहाँ पे लिखा गया कुछ इस तरीके से, तो आप ये वाला कर सकते हो। यही था गाइस एफएम वाट्स का 10 इंपॉर्टेंट सीक्रेट एंड सेटिंग, आपको समझा दिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना गाइस, और चैनल में पहली बार होना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया ट्रिक लेके गाइस, तब तक के लिए बाय।